नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम वीवीएम आपका प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग सीखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है बताते हैं आपको कि मेरे पास इतने टाइटल्स हैं और मैं एसईओ के बिहाफ से इन सबों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइटल पेज बनाना चाहता हूँ ताकि गूगल की सर्चिंग पे हमारा अच्छा रिजल्ट आए। तो कैसे करें? तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक एक करके 1287 फाइल बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हमें लाइन ऑफ कोड जो हमने डाउन लिख रखे एचटीएमएल के ए है, इसमें हमें क्या है कि टाइटल और इसके बीच में एक लाइन ऐड करना। तरीके तो बहुत है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है कि इसको दो पार्ट में यहाँ इसके अंदर कर दिया हुआ है कि पहला पार्ट ए दूसरा पार्ट ए। इन दोनों पार्ट के बीच में ये टाइटल को ऐड करना है और एक एक फाइल बनाना है, एक एक अलग अलग फाइल बनाना है ताकि हर किसी का टाइटल एडवांस स्किल्स के नाम से बन जाए, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग के नाम से बन जाए। इसी तरह से फाइल हमें बनाना है। चलिए हम बनाते हैं। इसके लिए हमने वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग को चूज किया है लिखने के लिए, क्योंकि एक एक फाइल बनाना मुश्किल हो जाएगा। सब्जेक्ट क्रिएट एचटीएमएल, यहाँ पे सीआर सीआर एचटीएमएल ओपन। लेकिन उससे पहले, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि यहाँ टूल्स में जाना होगा और रेफरेंसेस के अंदर में आपको माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम एक्टिव करना होगा। इसके बगैर भी होता है, लेकिन कोड थोड़ा सा लंबी है, लेकिन सिंपल कोड होता है, इसलिए हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम को आप एक्टिवेट करें। उसके बाद हम वेरिएबल देते हैं कि डिम एफ एस ओ फाइल ऑब्जेक्ट सिस्टम, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, एज ए कुछ भी दे सकते हैं आप, स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल ऑब्जेक्ट सिस्टम। एक और करते हैं टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल के लिए एज ए स्क्रिप्टिंग डॉट टेक्स्ट स्ट्रीम टेक्स्ट। और यहां पे देते हैं सेट एफ एस ओ इक्वल टू न्यू स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल ऑब्जेक्ट, नहीं फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, सेट टी एक्स टी इक्वल टू एफ एस ओ फाइल ऑब्जेक्ट सिस्टम क्रिएट टेक्स्ट फाइल। और फिर उसके उसके ब्रैकेट में हम पाथ देंगे, हमें फाइल आखिर बनाने किस फोल्डर में है। तो ये हमने फोल्डर बना रखा है वेब पेजेस का, इसी फोल्डर को हम कॉपी करते हैं। और स्लैश हम यहाँ पे फाइल का नाम, तो फाइल का नाम एज ए टाइटल होगा हमारा, तो यहाँ पे एंड के साथ हम देते हैं सीट वन डॉट रेन, और यहाँ पे हम देते हैं ई वन। तो एक ही बना रहे हैं, फिर इसको लूप में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉट एच टी एम एल कॉमा ट्रू एंड कॉमा, उसके बाद txt डॉट राइट लाइन, राइट लाइन। और क्या होना चाहिए, अब जो जो लिखना है आपको यहां लिख सकते हैं अपना कंटेंट। तो सबसे पहला कंटेंट हमारा है स्पेस
टू डॉट रेंज पार्ट ए वन एम परसेंट देते हैं टाइटल, मतलब कि सीट वन डॉट रेंज ए वन एन ए एन परसेंट में देते हैं सीट टू डॉट दूसरा पार्ट ए टू और फिर डालते हैं txt dot close। अब इसको एक बार रन करके हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करते हैं यहाँ पे बन गया एडवांस एक्सेल स्किल्स। और इसको हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए वो HTML पे जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बाकी चीजें इमेज वगैरह वेबसाइट पे पड़ा है ना, इसलिए इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं अभी कहीं एक फाइल हमने बनाया, मतलब हमने टाइटल के हिसाब से एडवांस एक्सेल स्किल्स के बारे में बनाया। मेरे पास 1287 फाइलें हैं, इसी तरह से मुझे 1287 फाइलें बना दी। तो अब मैं इसको लूप में डालते हैं। और नेक्स्ट अब कुछ नहीं करना है, जहां पे हमने रेंज ए वन दे रखा है ना सीट वन का, उसके जगह पे आई का बस इतना ही करना है काम। प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए फाइल इसने इसमें बनाया होगा, फाइल उन्होंने बना दिया बट 21 में जाके रुक गया। इसका मतलब है कि 21 हाँ इस स्लैश वगैरह को वो नहीं करता है, स्लैश वन को सपोर्ट स्लैश को सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं यहाँ एक सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगा देता हूँ सब्स्टिट्यूट, और बोलता हूँ कि इसमें अगर स्लैश है जितने भी स्लैश होंगे इसके अंदर में उसको डैश बना देगा। पेस्ट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो बना हुआ फाइल है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं रहने देते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं ना जहाँ पे मैक्रो रुका हुआ है। कंप्लीट, अब देख लीजिए 1286 फाइल बना हुआ है, एक फाइल साइज नहीं बनाया इसने। ओके, तो विद इन सेकेंड में हमने अपने लिए इतने सारे फाइल्स क्रिएट कर लिए हैं वीवी मैक्रो के मदद से। तो कौन कहता है कि वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग सिर्फ एनालिसिस में होता है, हमने तो वेब पेज के लिए भी इसका काम, वेब पेज ऑटोमेशन के लिए भी इसका काम। तो डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर और आपके यूजेस के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।